कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यह संभव नहीं है क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग संविधान की रक्षा करने में समर्थन में है। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। खड़गे ने चुनाव के दौरान संत रविदास को याद करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना भी की। संत रविदास को अनुसूचित जाति के लोग पूजनीय मानते हैं। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास के स्मारक सह मंदिर की आधारशिला रखी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 1.13 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी 9 साल से केंद्र की सत्ता में है, जबकि शिवराज सिंह चौहान राज्य में पिछले 18 साल से शासन कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ चुनाव के समय रविदास को याद किया। खड़गे ने खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा ने दिल्ली में संत रविदास के मंदिर को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आती है तो सागर जिले में संत रविदास के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।